उत्तराखंड के पूर्व आईएफएस किशन चंद को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। चर्चित आईएफएस किशन चंद भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी बनाए गए। विजिलेंस की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार किशन चंद को तलाश रही थी, जिनकी शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तारी की गई। किशन चंद हरिद्वार के रहने वाले हैं और उनके घर में कुर्की नोटिस चस्पा होने के अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया। डीएफओ रहने के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के मोरघट्टी और पाखरों में अवैध तरीके निर्माण कराने, निर्धारित संख्या में अधिक हरे पेड़ों के कटान, सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों को भुगतान करने के आरोपों के मामले में शासन ने उनको निलंबित कर दिया। हल्द्वानी विजिलेंस जांच कर रही थी और विजिलेंस कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। देखिए, अभी जिम कॉर्बेट पार्क में जैसा कि विगत में मुकदमा दर्ज हुआ था पेड़ों वृक्षों के पातन और अवैध निर्माण को लेकर, जिसमें कि हम लोग बहुत दिनों से इन रिटायर्ड डीएफओ महोदय जो हमारे हैं किशन चंद जी, इनको हम लोग खोज रहे थे। इनके बयान के लिए उन्होंने कई बार उनको प्रयास किया मिलने का, लेकिन ये संभव हमें मिल नहीं पाए और इन्होंने बीच में अपने गिरफ्तारी पर स्टे लगाया। उसमें भी स्टे के समय भी ये हमें ठीक से कोई कुछ भी नहीं बताया। पुनः जब इनका स्टे विकेट हुआ तो हमने इनको खोजने का कोशिश किया, तब ये कल हमें वैशाली में मैक्स हॉस्पिटल के सामने मिले, जहां की इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब हम इनसे पूछताछ करेंगे, और क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे कि अगर आगे हम क्या अपनी विवेचना में कार्रवाई करनी है वो उसी से निर्णय के लिए आ जाएगा। उसमें अभी इसमें कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं? अब तक इसमें दो की गिरफ्तारी हुई है। इनका आय से अधिक संपत्ति का भी एक मामला विजिलेंस में था। आज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आय से अधिक संपत्ति में ये चार्जशीटेड हैं। इनकी जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन वाली फाइल है वो जल्दी ही उस पर निर्णय हो जाएगा, तो जिसके हम इन पे तुरंत इन पे प्रोसिक्यूशन शुरू कर देंगे। कुछ और भी गिरफ्तारियां होनी है इस मामले में? ये तो अब बयानों के बाद ही, अब देखते हैं कि इनके गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ जो की जाएगी उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तय होगी।